दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुनाफ और आप देख रहे हो धनतेज हस्तकला केंद्र। आप सभी प्यारे प्यारे कला प्रेमी दोस्तों का धनतेज हस्तकला केंद्र में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अब हम बीच में एक ये कलर की रस्सी ऐड करेंगे। देखिए दोस्तों इस तरह से कैसे की जाएगी, आइए आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों हम ऐसे निकाल लेंगे इस तरह से, ध्यान से देखना दोस्तों इस तरह से, और उसके बाद इसको भी निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए दोस्तों इस तरह निकाल लेना है। दोस्तों आपसे मोहतराना गुजारिश है, विनम्र निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों एक रस्सी हमने शुरू की यहाँ से यहाँ तक आई, और हम पीछे से निकालेंगे। देखिए इस तरह से, ध्यान से देखना दोस्तों। अलग अलग पार्ट में आपको इस वीडियो बनाकर बताया है, अगर आप पहली बार आए हो तो पिछले वीडियो जरूर देखना। देखिए दोस्तों अब हम आ गए हैं सेंटर पॉइंट पर। देखिए दोस्तों सेंटर पॉइंट आ गया, अब हम सेंटर में इसको ऐड करेंगे। तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखना और देखते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों इस तरह से मजबूत घेरा लगा देना है। देखिए बीच में अलग रंग की रस्सी किस तरह से ऐड की जाती है उसका तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए और इसको हम वापस खींच लेंगे, ध्यान से देखना इस तरह से, और ये वापस खींचना है। देखिए अब एक कपल नीचे रख देंगे इस तरह से, और ये सब उठा लेंगे। देखिए दोस्तों अब ये पिंक कलर की रस्सी यहाँ से यहाँ तक आएगी, और उसको हम ऐड करेंगे। देखिए ध्यान से देखना दोस्तों, इस तरह से मजबूत घेरा लगा लीजिए। देखिए और ये जो घेरा है उसको हम नीचे छुपा देंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों अब यहाँ से यहाँ पिंक कलर की रस्सी से डिजाइन करेंगे। देखिए दोस्तों दोस्तों अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ से शुरू की पिंक कलर की रस्सी, यहाँ पर आकर इसका रोल खत्म होता है। अब हम देखिए दोस्तों इस तरह से पर्पल कलर की रस्सी निकालेंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों इस तरह से, देखिए अब जंजीर बनाएंगे दोस्तों। ये जंजीर कुछ अलग तरीके की है, और इसका तरीका भी मैंने आपको शुरू से बताया हुआ है। देखिए दोस्तों नीचे से निकालेंगे पिंक कलर की रस्सी, और इसको वापस कर देंगे। देखिए इस तरह से अब क्या करना है, इसको वापस कर लेना है। देखिए दोस्तों इस तरह से वापस कर लेंगे। देखिए बाद में पिंक कलर की रस्सी वापस करना है। देखिए इसके बाद इसको खींच लेंगे। देखिए दोस्तों ये गिरा बिल्कुल अंदर अच्छी तरह से छुपा देना है। देखिए इस तरह से, इसके बाद हम इसको वापस खींच लेंगे। देखिए और देखिए सब वापस खींच लेना है, और इसके बाद इसको
दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ पाओ, इसीलिए मैं आपको बारीक ऐसे समझा रहा हूँ, बारीक ऐसे बता रहा हूँ। तो कृपया वीडियो को स्किप मत करना, जंप मत करना, अन्यथा आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाओगे। देखिए दोस्तों, देखिए देखिए दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो और ये सब काम सीखना चाहते हो, हस्तकला में आपको अभिरुचि है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की चारपाई, कुर्सी, टेबल, सोफा, झूला वगैरह वगैरह बुनकर बताया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम निकालेंगे पिंक कलर की रस्सी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगी। देखिए इस तरह से निकालना है और इसको वापस खींच लेंगे इस तरह से। देखना दोस्तों, 1 2 3 इस तरह से लहर बनेगी। देखिए इस तरह से। देखिए दोस्तों आपसे गुजारिश, बार बार गुजारिश करता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से हमारा हौसला अफजाई होती है, तो कृपया अभी लाइक कर दीजिए। देखिए अब निकालेंगे। देखिए दोस्तों, पहले हमने सेंटर में एक कपल दबाया था, अब हम 3 दबाएंगे, 1 2 और 3, और इसको इस तरह से उठा लेंगे इस तरह से। अब क्या करना है, पीछे से पिंक कलर की रस्सी निकालेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह की बुनाई में वक्त ज़्यादा लगता है, इसलिए आप और सिखाने में भी आपको वक्त ज़्यादा लगता है दोस्तों, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है, उसके लिए आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए अब निकालेंगे, देखिए इस तरह से ये रस्सी, और इसको वापस खींच लेंगे। देखिए देखिए दोस्तों इस तरह से। देखिए दोस्तों, अब हम पीछे से पिंक कलर की रस्सी निकालेंगे और इस तरह से पिंक कलर की जंजीर बनेगी। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमने शुरुआत की यहाँ से और यहाँ तक, कितने अलग अलग रंग की रस्सी चलती है एक ही ताने में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, एक तो पिंक कलर की रस्सी से जंजीर बनाई, उसके बाद पर्पल कलर की रस्सी दी, देखिए उसके बाद एक और पिंक कलर की रस्सी दी, देखिए और ये एक ली, देखिए उसके बाद ये, देखिए दोस्तों देखिए देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 अलग अलग रंग की रस्सी से एक ताना खींचा जाता है। इसीलिए दोस्तों देर लगती है, लेकिन इस तरह की डिजाइन में टाइम तो ज़रूर लगता है, लेकिन बहुत खूबसूरत लगती है डिजाइन, बहुत प्यारी दिखती है डिजाइन दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरह से वापस निकालना है, इस तरह वापस खींचना है। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत से दोस्त लाइक करना भूल जाते हैं, आपके खातिर वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, और आपसे इतनी ख्वाहिश रखता हूँ, इतनी उम्मीद रखता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तो कृपया आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सेंटर में हमने पहले एक कपल दबाया, 3 और अब 5, देखिए इस तरह से नीचे से अलग रस्सी निकालेंगे इस तरह से।
देखिए और इसको वापस खींचना है। दोस्तों आप देख सकते हो जो हमने गियर लगाई है वो पीछे छिप गई है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए देखिए इस तरह से कैमरा मैन से गुजारी से आपको करीब से बताएं। देखिए दोस्तों जो हमने गियर लगाई है इस तरह से पीछे छिप गई है। आने वाले पार्ट में आपको बताऊँगा जो हमने गियर लगाई वो पीछे वाला हिस्सा किस तरह से दिखता है और उसमें आखिरी नॉट किस तरह से लगाना है उसका तरीका मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, तो ज़रूर देखना। देखिए दोस्तों आप कमेंट जरूर करना ये काम कैसा लगा और आप क्या क्या सीखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ और आपके कमेंट के मुताबिक और आपकी गुजारिश के मुताबिक मैं वीडियो बनाता हूँ। देखिए दोस्तों एक दो तीन तीन जंजीर हो गई है पिंक कलर में, अब हम कलर चेंज करेंगे और देखिए दोस्तों इस तरह से बिल्कुल नया तरीका है दोस्तों। देखिए इसके बाद इसको खींच लेंगे वापस। देखिए देखिए दोस्तों इस तरह से वापस खींच लेना है। देखिए और यहाँ पे इस तरह से खींच लेना है। देखिए देखिए दोस्तों याद रहे दोस्तों कि जो हमने गियर लगाई है वो ऊपर दिखनी नहीं चाहिए, इस तरह से गियर लगाना है। दोस्तों आपको मैं बारीकी से जानकारी दे रहा हूँ तो आप देखने के साथ मैं जो बता रहा हूँ उस पर भी गौर फरमाना। दोस्तों आइए आपको डिजाइन के बारे में आवश्यक जानकारी दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों अलग अलग पार्ट में हमने बुनाई की है और वीडियो बनाए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से हमने शुरू किया जो आपको मैंने बताया हुआ है, इसका तरीका बताया हुआ है, इसका सिस्टम सिखाया हुआ है कि किस तरह से इसका काम किया जाता है। देखिए दोस्तों पिंक कलर से इस तरह से हमने लहर बनाई है और इसमें फूल बनाया है और इस तरह से इसी लहर देख सकते दोस्तों। देखिए और यहाँ पे भी फिर इस तरह से ऐसी लहर बनाई है और बीच में हमने अलग कलर चेंज कर किया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे भी छोटे छोटे फूल बनाए हैं, देखिए अलग कलर में। और आप देखते दोस्तों ये है सेंटर पॉइंट चाटाए का, यहाँ पे भी हमने इस तरह से लेयर बनाई है और यहाँ पे छोटा फूल बनाया है। देखिए दोस्तों ये है चाटाए का सेंटर पॉइंट, जिस तरह से यहाँ पे डिजाइन की गई है सिरहाने की तरफ उसी तरह हम पायदान की तरफ डिजाइन जाएंगे करेंगे इस तरह से, यहाँ से रिपीट होगी। ये जो आप देख रहे हो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे फूल बनेंगे। देखिए दोस्तों दोस्तों ये हुक के बारे में आपके बहुत से कमेंट आते हैं, बहुत से फोन आते हैं और व्हाट्सएप पे बहुत से मैसेज आते हैं, हर कोई जानना चाहता है ये कहाँ मिल जाएगी। आप सभी को मैं बता दूं कि आप गूगल पर सर्च कीजिए, आपको ये गूगल पे मिल जाएगा, तो ऑनलाइन मिल सकते हैं। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm अलग अलग साइज के हुक मिलते हैं दोस्तों, आप गूगल पर सर्च कीजिए आपको ये हुक बआसानी मिल जाएंगे, आपके घर तक आ जाएंगे। आप किस कितने एम एम की रस्सी इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से आप ये हुक ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये काम कैसा लगा अपना अभिप्राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार चैनल पर आए हो और ये सब काम सीखना चाहते हो, हस्तकला में आपको अभिरुचि है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, जहाँ पर आपको इस चारपाई के पीछे वाला हिस्सा कैसा दिखता है और उसमें आखिरी हिस्से में जो नॉट लगाते हैं गियर लगाते हैं उसका तरीका क्या है वो आपको मैं बताऊँगा, तो जरूर देखना। दोस्तों अब अपने भाई को अपने दोस्त को इजाजत दीजिए वीडियो देखने के लिए, आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद।